किसान भाइयों, अगर आप भी अपने धान की फसल को पत्ता लपेटक और तना छेदक से दूर रखना चाहते हैं और इस लॉस को होने नहीं देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस कीट को खत्म करने के लिए दो आपको दवाएं बहुत ही बेहतर बताने वाले हैं, जो सस्ती भी पड़ेंगी और बहुत ज्यादा कारगर है, आपको दोबारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी धान की फसल रोपाई किए 40 से 50 दिन के बीच में होती है, तब ज़्यादातर आपको ये समस्या देखने को मिलती है। और जब भी बारिश कम होने लगती है उस समय भी ये समस्या देखने को मिलती है। पत्तियों में जो पत्ता लपेट जो कीट होता है वो अटैक उसका बढ़ जाता है और जो ये हरापन होता है, पत्ती का क्लोरोफिल होता है, वो उसको खा लेता है, इसलिए पत्ती सफ़ेद दिखाई देने लगती है और अंदर ही ये लपेट के बैठ जाता है। और कुछ दिनों के बाद यही जो कीट है, जो लंबा सा कीट होता है, ये हरे कलर का होता है, दिखता नहीं है, और ये नीचे गिर जाता है पेड़ के तने के पास और उसके बाद पेड़ के तने में सुराख करके अंदर चला जाता है। और वहाँ पर जो मुलायम वाला भाग होता है अंदर का, जो पौधे का जो नया शूट्स निकलता है ऊपर की तरफ, उसको खाने लगता है, जिससे जब बाद में हमारी फसल तैयार होती है उस समय जब बालियाँ निकलती हैं तो बालियाँ सफ़ेद कलर की हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस कीट से की वजह से। तो इसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, बहुत ही सरल तरीका आपको बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने खेत में टहल के देखते रहना चाहिए। जब भी आपको शुरुआत में इसका जो मौत होता है, जो इसकी तितली होती है, वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देगी। और इस टाइप की अगर एक भी आपको पत्ती दिखे खेत में, तो समझ जाइए कि आपके खेत में अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके खेत में ये कीट ज़्यादा रूप में आने वाला है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम आपको दो दवाएं बता देते हैं। जो पहली दवा है, अगर आपके खेत में केवल पत्ता लपेटक कीट लगा हुआ है जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये वाला केवल पत्ते आपको इसे इस तरीके से लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद कलर के हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इमामेक्टिन लेना है। बहुत ही सस्ती दवा है, इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है आपको, और इसका जो डोज रहेगा वो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होता है। साथ में आपको क्या करना है, आपको लैम्डा सेहलोथ्रिन लेना है, ये 5% वाला आपको ले लेना है लैम्डा सेहलोथ्रिन, और इसका जो डोज रहेगा वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगा। इन दोनों दवाओं को आपको एक साथ मिक्स करके अपने खेत में स्प्रे करना है, और इसके साथ में आपको स्टिकर यूज करना है, सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जो आता है वो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये जो तीन चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको यहाँ पर यूज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि टंकी पर टंकी के हिसाब से आपको बताएं, तो उसमें आपको इमामेक्टिन 10 ग्राम लेनी है एक टंकी में, और जो लैम्डा सेहलोथ्रिन है वो आपको 25 ml लेना है एक टंकी में, साथ में एक स्टिकर की पुड़िया जो 5 ml की आती है वो आप उसको यूज कीजिएगा। और बस इतना ही आपको पहले इसमें स्प्रे में करना है। अगर आपके खेत में केवल ये पत्ती लपेटक लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा है तो आप ये इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्प्रे करें तो उस समय आपको अपनी भी सेफ्टी रखनी है, वहाँ पर आपको ग्लव्स वगैरह पहन लेने हैं और डायरेक्टली आपको जो केमिकल है उसको नहीं छूना है। साथ ही आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना है स्प्रे करते समय, और ध्यान रखें कि उस समय हवा तेज ना चल रही हो, और हवा के उल्टी दिशा में आपको, अगर हवा थोड़ी बहुत चल रही है तो आपको उल्टी दिशा में चल के आपको स्प्रे करना चाहिए, ये सावधानी जरूर आपको रखनी है। और उसके बाद आपको बताते हैं एक और दवा, अगर आपके खेत में ये पत्ता लपेटक कीट ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है और साथ में आपके जो मेन जो तना है उसकी जो मेन वाली सूट होती है वो आप उसको खींचते हैं और वो निकल जाए आसानी से, और वो सूख रही है, जो गोब है वो सूख रही है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एम्पलिगो का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, एम्पलिगो में दो टेक्निकल होता है, एक होता है क्लोरेंट्रानेलिपोल 10% में और दूसरा होता है लैम्डा सेहलोथ्रिन 5% ZC में। तो आपको ये जो टेक्निकल है बहुत ही काम का है, और ये थोड़ा सा पहले वाला जो हमने बताया है उससे आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपके खेत में जो पत्ती लपेटक है वो लगा हो, साथ में आपका जो स्टेम बोरर होता है वो उसका अटैक आपके खेत में हुआ हो, तब आपको ये इस्तेमाल करना है। तो आपको कम खर्च में आपका काम हो जाएगा अगर आपने पहले इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पर जो हमने आपको बताया था पहले डोज वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं पत्ता लपेटक कीट के समय, तो आपको दूसरा वाला जो कीट है वो आपको देखने को खेत में नहीं मिलेगा और आपका जो सस्ते में ही आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो, स्प्रे करते समय जो बरसात है वो कम से कम 2-3 घंटे तक ना हो तो ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपके स्प्रे करने के बाद जल्दी ही बारिश हो जाती है तो आपके जो आपकी मेहनत है वो उस पर पानी फिर जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो आसमान थोड़ा सा साफ होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे किसान भाई को भी शेयर करना मत भूलिएगा।